अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त चारू माँ, जिनके पात्र को मैंने इस म्यूजिकल वीडियो में जिया और जिनकी कहानी से मैं इतनी प्रभावित हुई कि मुझे लगा हम तो कुछ करते ही नहीं। वो चारू माँ का जो कैरेक्टर है, पहली बात तो जो दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत सुरीला काम वो करते हैं। फिर उन्होंने मुझे जब कोणार्क से मिलाया तो मुझे ये भी लगा कि इतना हमारे भारत का यूथ तो भैया बड़ी आसानी से बाहर जाता है और हिंदुस्तान आना ही नहीं चाहता, उसे हिंदुस्तान की हर चीज़ बहुत बुरी लगती है। ऐसे में एक जवान लड़का जो है वो अपना संगीत लेके अपने पैसे लगा करके एक समस्याओं को और ऐसी चीज़ों को सुर के साथ बांध के करना चाहता है, तो मेरे लिए कोई कारण नहीं था कि मैं इसको ना करूं। और फिर हम लोग एज एन एक्टर हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा पात्र मिले जो जिसमें इतना डायमेंशन हो, जिसमें इतनी संवेदनशीलता हो, जितनी उसकी अंदर ताकत हो। तो चारू माँ की जब इन्होंने मुझे कहानी देखी तो मैंने कहा भैया इस पात्र को तो जीना भी शायद मुश्किल होगा। जो उनके चेहरे पे जो एक वो एक जो चमक है, जो डिटर्मिनेशन है, वो मैं ला पाऊँगी कि नहीं ला पाऊँगी। तो एक वो भी था कि मैं भारत की एक नागरिक हूँ और जहाँ मैं किसी भी माध्यम से अगर जुड़ सकूँ, लोगों को जागरूक कर सकूं अपने आर्ट के माध्यम से, अपनी संगीत के माध्यम से, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और मैंने किया है, मैंने सुषमन में वीवर्स के लिए किया है, मैंने सुर मंथन में हमारे जो स्पेशल लोग होते हैं जो नहीं सुन सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या अंतर्नाद में डाकुओं के साथ, श्याम मैनेगल के साथ रह के मैंने विभिन्न ऐसे ऐसे वर्गों जिनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, वो भी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है उनके साथ जाकर भी मैंने डॉक्यूमेंट्री करी। तो इस तरह का जब म्यूजिक वीडियो आया, क्योंकि मैं चाहती थी मैं खुद भी ऐसी आवाज़ दूँ जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि सती प्रथा, वहाँ इला अरुण आती है। पर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहती हूँ भारत का हर युवा, बजाय ये सोचने के लिए कि मैं देश को छोड़ दूंगा, देश नथिंग इन आर कंट्री, बाहर ये, उससे अच्छा ये यहाँ आओ। अगर बीज बोगे, अगर खाद अच्छी बोगे, खुद सींचोगे तो फल तो आएंगे ही आएंगे। मैम, जब आपने पहली बार विजिट किया, हमने देखा कि एक वीडियो आपने गांव में विजिट किया है, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर थोड़ा सा बताया आप हमारे। वो गांव जिस गांव में मैं गई थी और वो जो 2.5 दिन तक मैंने उस गांव में शूटिंग करी, वो गांव अपने लिए एक प्रेरणा था मेरी। मैं जब वहाँ से, जिस दिन मैंने गांव छोड़ा तो वाकई में बहुत रोई, क्योंकि वो सारे लोग जो थे वो मेरे अपने रिश्तेदार बन गए थे, कैसी हालातों में वो रहते हैं और कैसा उनका मनोबल फिर भी है। उन्हें शिकायत नहीं है, वो नहीं कहते हैं कि हम अपना गांव छोड़ेंगे या अपना देश छोड़ेंगे। कितना उनको विश्वास है अपने इस भारतवर्ष में, वहाँ की भूमि में, वहाँ के पेड़ों में, पौधों में। तो उनसे बहुत सीखने को मिला, उन्हीं का मैंने खाना खाया, उनका प्यार निस्वार्थ भाव से। उनके कॉस्ट्यूम में जब आप चले जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप इला अरुण हैं। उनके हाथ की रोटी जब आप खाते हैं तो ये मेरे लिए, जब आप किताब लिखेंगे तो ये एक ऐसे पृष्ठ हैं जिनको मिटाया नहीं जा सकता है, और ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि भारत जो है वो गाँव से बना हुआ एक देश है, भारत से बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास, बेंगलोर नहीं है। उन गाँव तक हमें स्मार्ट उनको नहीं बनाना है, हमें खुद अपने आप को उनके लेवल तक ले जाना है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस भूमि को हमें चखना है, उसका स्वाद लेना है। कैसे वो रहते हैं मज़े से, उनको कोई शिकायत ही नहीं है, बहुत खुश रहते हैं। तो नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस क्वालिटी के इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हम कर पाएंगे, दो तो प्रोजेक्ट हो। तो पिछले साल जब किया था मैंने, तो पता नहीं कहाँ से ख्याल आया मुझे कि इनको मैं फिल्म फेस्टिवल्स में भेजता हूँ और देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, एक अच्छे इशू को लेके कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैंने भेजा तो रिस्पॉन्स ऐसा आया, मुझे अभी तक भी यकीन नहीं है कि कैसे आया ये रिस्पॉन्स। तो इसको 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेशंस मिले हैं स्क्रीनिंग के लिए, और उसमें 6 अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में इसने हासिल किए। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे पहले वीडियो से, और उससे आपको बहुत इंकरेजमेंट भी होती है कि हाँ फिर हम दूसरा भी करें। और दूसरे पे जब ऐसे कलाकार उनके साथ काम करने का मौका मिले तो उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीदें और बढ़
बढ़ जाती है मेरी कि ये इससे भी अच्छा करेगी, मुझे उम्मीद है लोगों को पसंद भी आएगा और अच्छा सब्जेक्ट भी चुना है हमने। ये तो भावना इसमें ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि मैं बराबर पूछती हूँ कि इसका कोई फाइनेंशियल रिटर्न तो मुझे दिखता नहीं, तो रिटर्न क्या है? रिटर्न है कि लोग इसे लाइक करें, रिटर्न ये कि इनका हौसला ना टूटे, लोग इस बात को समझे। अगर इनका ये संगीतमय मैसेज बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से लोग लाइक करेंगे, तभी इनको लगेगा कि मैं इतने दूर से आया, मैंने काम किया, वो व्यर्थ नहीं गया। तो मैं तो यही चाहूँगी क्योंकि मुझे अभी तक यूट्यूब का सिस्टम समझ में नहीं आया, पर जो कुछ भी है अगर वो लाइक से बात बनती है तो लाइक से करिए, अगर वो सोशल मीडिया जो जहाँ मैं हूँ नहीं, अगर उससे अगर कुछ बात बनती है तो उससे करिए, पर अपने अंदर आप जागरूकता लाइए और इस वीडियो का हौसला ना टूटे, ऐसी आप इसको प्रोत्साहन दीजिए, हौसला अफजाई करिए। लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो आपने कैरेक्टर जो प्ले किया है वो गांव वाले को बहुत मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, आपके जीवन में ऐसे कौन सी चीज़ें जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं? यही गांव के लोग, वहां का खेल, वहां का संगीत, वहां की औरत मुझे एनकरेज करती है। मैं इतना हेनरी गिब्सन के नाटक करती हूँ, मैं हमेशा औरत की ही बात करती हूँ। वो औरत ना केवल शक्तिशाली है, ना केवल सुंदर है, ना केवल श्रृंगार से परिपूर्ण है, वो दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, वो हर जगह सेलिब्रेट है, वो देवी है। तो वो जो औरत है ना, उसका मैं हिस्सा हूँ क्योंकि मैं भी औरत हूँ। तो और इंडियन औरत होना जो है वही मुझे प्रोत्साहित।